हेलो एवरीवन। और आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक न्यू रेसिपी। तो आप लोग बताओ ये कौन सी रेसिपी है। आज मैं स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगी, चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं और आप लोग भी देखो ये क्या है। तो यहाँ मैंने लिया है लौकी, जिसे कद्दू भी बोलते हैं, घिया भी बोलते हैं, जो भी आप बोल लो। और फिर यहाँ लिया है आलू, दो आलू कट किया है, बिल्कुल मीडियम साइज में मैंने कट किया है, छोटा छोटा सा कट किया है। उसके बाद एक बड़ा सा प्याज मैंने चॉप किया है, फाइनली चॉप किया है। उसके बाद यहाँ मैंने टमाटर कट किया है, एक बड़ा सा टमाटर कट किया है। तो इसको आइए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, जो कि ऐड किया है यहाँ पे मैंने। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी जीरा, क्यूमिन जो होता है वो ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें खड़ी लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी और तेज पत्ता ऐड करूँगी। तो दो खड़ी लाल मिर्च मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और एक आपको तेज पत्ता यहाँ पे ऐड करूँगी। ये तड़के में जाएगा और कुछ नहीं। और एक थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी, क्योंकि आप कद्दू या लौकी में हींग डालो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने हींग यूज किया है। तो आप भी कर सकते हो, आप बहुत लोग हींग यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे मैंने ओनियन जो लिया था, प्याज वो ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड करूँगी। तो पेस्ट आप नहीं तो आप ताजी यूज भी कर सकते हो, मैंने पेस्ट रखा है तो पेस्ट यूज किया है यहाँ मैंने। बहुत लोग यहाँ मसाले पीस के भी यूज करते हैं, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो मसाले, तो यहाँ मैंने पीसा नहीं है। या जैसे मैं डेली आपको वीडियो में बताती हूँ कि भिगोती हूँ, वो भी मैंने भिगोया नहीं है। और फिर यहाँ थोड़ा सा प्याज रेड हो गया है, तो थोड़ा सा जो आलू कट किया था वो डाल रही हूँ। ये डाल के भी फ्राई करूंगी अच्छे से, और अच्छे से इसे हमें भूनना है। जो भी आलू मैंने दो कट किया था उसको डाल के और ढक के थोड़ी देर 5 मिनट के लिए भूनना है। मैं अच्छे से भून रही हूँ कि जो भी आलू है वो रेड हो जाए। थोड़ा सा आलू भून जाता है ना तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं लौकी आलू की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं बिल्कुल सादी सी लौकी, तो इसको थोड़ा सा इनहांस करके बना रही हूँ। और फिर यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, और फिर यहाँ मैं ऐड करूँगी रेड चिली थोड़ा सा तीखापन के लिए, और फिर यहाँ से मैं हल्दी यूज कर रही हूँ, और फिर यहाँ मैं सब्जी मसाला जो होता है वो यूज किया है, नमक यूज किया है। और इनको डाल के मैं अच्छे से फिर से भूनूंगी। तो मैं बता रही थी कि बच्चे नहीं खाते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनको खिलाना चाहते हो तो इस टाइप का बना सकते हो। और मिर्च आप हटा सकते हो क्योंकि बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं, तो मिर्च आप अवॉइड कर सकते हो। और फिर यहाँ मैंने जो टमाटो कट करके रखा था वो डाल दिया है मैंने, और इसे भी मिक्स करके भूनेंगे ढक ढक के। थोड़ा सा गल जाने देंगे टमाटर को जो हमारा है, और अच्छे से ये पक जाएगा। उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है जो भी कद्दू लौकी आप जो भी बोल लो। और देखो कैसे वायल किनारे किनारे आ गया था, बिल्कुल ऐसे ही भूनना है। ये पहचान होती है कि आपके मसाले भून गए हैं, तो ऐसे ही आपको भूनना है। और फिर यहाँ मैंने लौकी ऐड कर दिया है, और का आप देखो कितने पतले पतले स्लाइसों में काटा है, जैसे मैंने आलू कट किया था सेम वैसे ही काटा है। और पहले इसको ढक के ऐसे पकने देंगे, क्योंकि लौकी जो होती है वो पानी छोड़ती है। तो यहाँ मैंने ढक के रख दिया था, और उसके बाद इसको मिक्स करूँगी और चारों तरफ मिक्स करके धीरे धीरे पकाते रहूँगी।
यहाँ सब्जी बन के रेडी हो गई है और देखिए कितनी सी टेस्टी और यमी सी बनी है। बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे और पसंद से खाएंगे। आप भी बनाइए और शेयर कीजिए। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।